हेलो माय डियर फैमिली, तो कैसे हो आप लोग। भाई आपका आ चुका है एक और नया एपिसोड लेके, दिस इज एपिसोड नंबर 59। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं। और आज का सबसे पहला अपडेट है एसआरके वर्सेस प्रभास कहो या फिर डंकी वर्सेस सालार के होने वाले क्लैश को लेकर। तो डंकी 22 दिसंबर 2023 को आ रही है, ये तो कब से कंफर्म ही था। साथ ही एसआरके ने एक इंटरव्यू के अंदर ये क्लियर कर दिया कि हम आएंगे तो इसी डेट पर मूवी पोस्टपोन नहीं होने वाली है। लेकिन मजा तो कल आया जब ये न्यूज सामने आई कि प्रभास की मच अवेटेड मूवी सालार भी इसी डेट को यानी कि 22 दिसंबर 2023 को ही रिलीज होने वाली है, जो कि अब 99.99% कंफर्म हो चुका है डिस्ट्रीब्यूटर्स के भेजे गए मेल से। अब इस 99.99% को 100% कंफर्म करने के लिए सालार मूवी के मेकर्स 29 सितंबर को एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी करने वाले हैं। तो भाई साहब तैयार हो जाइए दो बहुत ही बड़ी मूवीज के लिए जो कि मार्केट में धमाल मचाने वाली है। वहीं इन न्यूज के बाहर आने से एक प्रॉब्लम भी खड़ी हो गई है, और प्रॉब्लम है टॉक्सिक फैंडम्स, जिन्होंने मार्केट में दोनों मूवीज के लिए और दोनों एक्टर्स के लिए हेट फैलानी शुरू कर दी है कि ये मूवी ज्यादा पैसे कमाएगी और ये कम कमाएगी, इसके सामने इसकी कोई औकात नहीं है वगैरह वगैरह। तो ये सब ऑलरेडी शुरू हो गया है सोशल मीडिया पर, लेकिन जो रियल ऑडियंस है जिन्हें बस एंटरटेनमेंट चाहिए उन्हें बिना किसी बात का सफर करना पड़ रहा है और मूवी आने तक करना भी पड़ेगा। एक बात और, जब जब दो फॉरेन मूवीज का एक साथ में क्लैश होता है तो पूरी दुनिया की ऑडियंस उस क्लैश को हेल्दी वे में एंजॉय और सेलिब्रेट करती है। फॉर एग्जांपल ओपनहाइमर और बारबी मूवी को ही ले लो। भाई साहब इन दोनों मूवीज के लिए तो हैशटैग्स चले थे हैशटैग बारबेनहाइमर करके, और एक तरफ हमारे यहाँ पर जो फैंडम सॉरी टॉक्सिक फैंडम्स जो है छोटी छोटी बात पर एक दूसरे को मां बहन की गाली देना शुरू कर देते हैं, और इन दोनों मूवीज के क्लैश के लिए औकात औकात खेलना इन लोगों ने शुरू भी कर दिया है। और जरा सोचो इसका इम्पैक्ट किस पर पड़ेगा, सिंपली उन लोगों के ऊपर जो दोनों मूवीज को दोनों ही एक्टर्स को एंजॉय करने वाले हैं। तो मैं तो आप सभी को यही अपील करना चाहूंगा कि आप लोग प्लीज इस टॉक्सिसिटी से दूर रहे और इस कॉम्पिटिशन को सेलिब्रेट करें और एंजॉय करें। बस इन दोनों मूवीज के कंबाइंड हैशटैग्स बनाकर आप भी वायरल कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट पर जो कि रिलेटेड है लियो मूवी को लेकर। ऐसे ही फैन वॉर्स की वजह से कल ही की बात है ट्विटर के ऊपर यानी कि एक्स के ऊपर हैशटैग केरला बॉयकॉट लियो ट्रेंड कर रहा था, और वो भी कुछ लोगों की उल्टी सीधी पोस्ट्स की वजह से, जहां कुछ लोगों ने मलयालम एक्टर मोहनलाल और केरला सिनेमा इंडस्ट्री को बस क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से ये पूरा बखेड़ा शुरू हो गया। आप इसके ऊपर क्या कहेंगे कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट अपडेट है फुकरे 3 मूवी को लेकर, जहां आज सुबह की ही बात है ट्विटर के ऊपर हैशटैग फुकरे 3 लीक्ड ट्रेंड होना शुरू हो गया भाई, जिनमें पोस्ट थी कि फुकरे 3 मूवी ऑनलाइन लीक्ड हो चुकी है अपने रिलीज से पहले ही और टेलीग्राम चैनल पर भी अवेलेबल है। अब ये चीज कितनी सच है इसका हमें ढूंढने पर भी कोई सबूत तो नहीं मिला, लेकिन आई डोंट थिंक कि मूवी लीक हुई है, और अगर हुई भी होगी तो मेकर्स ने अब तक तो इसके ऊपर एक्शन लेना शुरू भी कर दिया होगा। तो मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपके सामने भी ऐसी कोई लिंक आती है तो आप भी फिल्म को मत देखना। वैसे ये बहुत ही टफ टास्क मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी ऑनेस्टली यार मत देखना, फिल्म रिलीज हो जाने दो, थिएटर में जाके फैमिली के साथ देखो एंजॉय करो। क्योंकि भाई बात यह है कि ये जो पायरेसी वाला मैटर है फिल्में जब लीक होती है तो फिल्मों को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। ये बिल्कुल ऐसा है कि आप कहीं पर जॉब कर रहे हो और महीने के एंड में आपसे कहा जाए कि आपको सैलरी नहीं दी जाएगी, आपसे हमने फ्री में काम करा लिया है, आप कैसा फील करोगे, ये बिल्कुल ऐसी बात है। नेक्स्ट अपडेट है टाइगर 3 मूवी के टीजर और एनिमल मूवी के टीजर को लेकर, जहां सीबीएफसी ने टाइगर 3 के टीजर को UA की रेटिंग दी है और इसके टीजर की ड्यूरेशन होने वाली है 1 मिनट एंड 46 सेकंड्स, जो कि 27 सितंबर को रिलीज कर दिया जाएगा, तो आप लोग रेडी रहना। साथ ही में एनिमल मूवी के टीजर को भी UA की रेटिंग ही मिली है और इस टीजर का ड्यूरेशन होगा 2 मिनट्स एंड 29 सेकंड्स, जो कि 28 सितंबर को सुबह 10 बजे आ रहा है, और दोनों के रिव्यूज अपने मेन चैनल जेस्टेक के ऊपर आ जाएगा, तो आप लोग जरूर से आ जाना। वैसे मिशन रानीगंज का ट्रेलर रिव्यू भी जेस्टेक के ऊपर आ चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, नहीं देखा है तो जरूर से देख लेना प्लीज। नेक्स्ट अपडेट है सालार मूवी को लेकर, जहां ऐसी न्यूज बाहर निकल कर आ रही है कि इस मूवी के डायरेक्टर प्रशांत नील इस मूवी के क्लाइमैक्स को रीशूट करने वाले हैं भाई, बिकॉज उनको लगता है कि मूवी में अभी भी कुछ सीन्स में इंप्रूवमेंट किया जा सकता है और उन्हें और ज्यादा मजेदार बनाया जा सकता है। और सीन्स को रीशूट करने का बस एक ही रीजन है कि प्रशांत नील हम ऑडियंस को एक बहुत ही बढ़िया सिनेमेटिक एक्सपीरियंस देना चाहते हैं, जो कि हम ऑडियंस के लिए तो बहुत ही खुशी की बात है कि यार हमारे मजे के लिए कोई इतना सोच रहा है। नेक्स्ट अपडेट है पुष्पा 2 मूवी को लेकर, सो अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स अल्लू अर्जुन पुष्पा 2 को ऑस्कर में भेजना चाहते हैं, इसी गोल के साथ पुष्पा 2 के ऊपर काम चल रहा है। और आप जानते हैं कि ऑस्कर में भेजने के लिए लॉस एंजलस में प्रमोशनल एक्टिविटीज में कितना खर्चा होता है, अब ये खर्चा कहां कहां पर होता है, क्यों होता है, कैसे करना होता है, इसके ऊपर डिटेल में हमने एक वीडियो बनाया है जेस्टेक चैनल के ऊपर, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आपके नॉलेज के लिए, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। anyway, तो पुष्पा 2 के मेकर्स ऑस्कर में होने वाले इस खर्चे के बजट को अभी से साइड में रख के चल रहे हैं। वैसे RRR मूवी की बात करें तो अप्रोक्स उन्हें 30 से 40 करोड़ का खर्चा हुआ था वहां पर प्रमोशनल एक्टिविटी
सिटीज में। देखते हैं कि पुष्पा 2 कहां तक जाता है, बट थैंक्स टू RRR कि अब हमारी फिल्में ऑस्कर के बारे में सोचकर बनाई जाती है। और आज का लास्ट अपडेट है नेटफ्लिक्स के एक रियलिटी शो के बारे में, नाम है स्क्विड गेम द चैलेंज, जिसमें 456 लोग एक दूसरे से कम्पीट करेंगे और प्राइज मनी होगा $4.56 million। इस शो की खास बात यह है कि ये शो बेस्ड है पॉपुलर सीरीज स्क्विड गेम पर। स्क्विड गेम के अंदर क्या था और वो इतना पॉपुलर क्यों है ये शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो भाई कुल मिला के हो सकता है कि स्क्विड गेम की पॉपुलरिटी के चलते ये रियलिटी शो भी हिट हो जाए। ये स्ट्रीम होगा 22 नवंबर से नेटफ्लिक्स के ऊपर। वैसे पर्सनली मुझे तो इंतजार है स्क्विड गेम के सेकंड सीजन का। वैसे आप स्क्विड गेम के फैन हो कि नहीं कमेंट करके जरूर से बताना। ओके देन आज की बातें यही तक रखते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आया है भाई तो एक लाइक कर देना। और आपके जितने भी दोस्त और रिलेटिव्स हमारी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, यानी कि फिल्मों के दीवाने हैं, एंटरटेनमेंट के दीवाने हैं, तो उनके साथ हमारे वीडियोस को जरूर से शेयर करते रहना। दिस इज जेएस एंड यू आर वॉचिंग जस्ट टेक सिनेमा। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। बाय, टेक केयर, जय हिंद।